हाय दोस्तों, नमस्कार। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आप लोग जो मुझे देख रहे हो अभी, सोच रहे हो कहाँ जा रहा हूँ। बिल्कुल सही सोच रहे हो आप लोग। आज फ्राइडे है, तो नॉर्मली कल सैटरडे संडे बच्चों का छुट्टी रहता है, तो बच्चों के साथ घूमने का प्लान बनाया हुआ था और कुछ बॉन्सल कैस्टल जाना था बच्चों को संडे का, तो वहाँ का टिकट भी लिया हुआ था। कुछ अर्जेंट काम आ गया, मुझे आज जाने ही पड़ा, तो मैं क्या करेगा नहीं। फिर मैंने टिकट लिया एक ऑनलाइन ऐप में से, जो घर के नज़दीक से ही जा रहा था, तो शाम की ऐसे करीबन 8:30-9 बजे की थी लगता है। तो अभी मैं उस बस के लिए आया यहाँ पे। जो आप पीछे देख रहे हैं, तो ये लाल चमकती हुई बिल्डिंग है, ये एक्चुअली नया बनाया हुआ ये बिल्डिंग, अभी अभी 1 साल हुआ। हेज मीनस करके ये न्यूज़पेपर या टीवी चैनल का बिल्डिंग है, तो ये 24 आवर्स चालू रहता है, तो काफ़ी पब्लिक आ रही है, अंदर जा रही है। तो बाकी अंदर क्या होता है मुझे पता नहीं, पर मेरी बस की पॉइंट है इसकी आगे है, तो बस मैं बस का इंतज़ार कर रहा हूँ। तो अभी ये इतना जल्दी 8 बज रहे हैं, तो डिनर भी करने का टाइम नहीं मिला, तो इतना भूख भी नहीं है। तो अभी ये देखो, बर्गर और देखे कुछ खाने का मन तो कर रहा है, पर मैं ट्रैवलिंग में ज़्यादातर खाना अवॉइड ही करता हूँ। तो अगर बीच में कहीं बस रुकेगी तो मैं सोचूंगा वहीं पे कॉफ़ी कुछ ब्रेड वगैरह लेने के लिए, पर अभी बस मैं बस का इंतज़ार कर रहा हूँ। आप लोग पूछोगे सबसे ज़्यादा बोरिंग चीज़ क्या है, तो ट्रैवलिंग में वही एयरपोर्ट के अंदर या बस के किसी के लिए अगर जो वेटिंग रूम होता है ना, वेटिंग आवर्स, वो मुझे सबसे ज़्यादा बोर करती है, वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पर क्या करें, मजबूरी में करना ही पड़ता है, चाहे फ्लाइट में जाओ चाहे बस में जाओ, तो उनका टाइम होता है, पर उससे पहले पहुँचना ही पड़ता है आधा एक घंटा पहले ही, तो वो वेटिंग पीरियड है ना, मुझे सबसे बेकार लगता है। तो देखो, अब बैग तो मेरे पास कुछ था नहीं, तो एक सिर्फ हैंड बैग है, तो बाकी लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं, तो मैं भी कभी इधर बैठ रहा हूँ तो कभी उधर बैठ रहा हूँ, तो बस कभी बस के नंबर देख रहा हूँ, अब बस जा रही है और दूसरे बस आ रही है, ऐसे ही कर रहा हूँ। क्या करेगा, जो नॉर्मली करते हैं लोग वही है, इधर से उधर वॉकिंग कर रहा हूँ। और मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं ऑन टाइम पे था, तो मुझे लगा कि बस मेरी छूट गई है, पर एक्चुअली नहीं छूटी हुई थी, पर एक्चुअली मैं बस लेट आ रही थी, तो कम से कम 20-25 मिनट लेट आई बस, तो और परेशानी, और इंतज़ार करो, तो बस और इंतज़ार ही कर रहा हूँ, और क्या करेगा नहीं। तो आप जो देख रहे हो पीछे, अच्छा है कि पब्लिक है यहाँ पे, काफ़ी लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, तो मतलब इतना वो नहीं, क्योंकि ये कोई बस डिपो नहीं था, तो ऑनलाइन ऐप से बुक कराया हुआ था, तो पता नहीं बस आएगी कि नहीं आएगी, तो ऑनलाइन ऐप में यहीं का एड्रेस दिया हुआ था, तो और ऊपर से आधा घंटा लेट, तो इस वजह से रात को डर लग रही थी। ऐसा कुछ नहीं था, घर तो नज़दीक ही था, अगर नहीं हुआ तो वापस चले जाऊँगा घर, पर फिर भी जाना था मेरे को, काम था कुछ, क्योंकि मंडे को फिर बच्चे स्कूल जाते हैं, तो फिर नहीं टाइम मिलेगा, तो बेस्ट है कि आज रात को जाऊंगा, तो सैटरडे सुबह पहुंचूंगा, शायद जो मेरा काम मंडे होने वाला अगर सैटरडे दिन में हो गया, तो मैं संडे रात को वापस आ सकता हूं, तो मंडे बच्चों लोगों को स्कूल लेके जा सकता हूं, तो इसी वजह से मैं अभी निकला। शायद मेरी बस आ गई लगता, तो ऑलमोस्ट जो आधा घंटा लेट होना था वो भी हो गया, तो यही बस है लगता, तो ज़रा नंबर, बस नंबर चेक करता हूँ, तो शायद हाँ नंबर भी यही नंबर है, मैचिंग है, तो बस सीट वगैरह सीट नंबर पूरा ऐप में ही खुद बुक कराते वक्त ही मिलता है, दिखाते हैं, तो ये आईडी कार्ड वगैरह चेक किया, तो अभी ऊपर आया, तो ये बस में देखो मस्त है, सीट बहुत अच्छा लगा, पीछे बाथरूम है, नीचे भी बाथरूम है, तो 2 माले का बस है, तो दो दो बाथरूम है एक बस के अंदर, बहुत काफ़ी अच्छी है। बस के अंदर पानी वगैरह भी चाहिए आपको, पानी वगैरह भी है, और क्या चाहिए। मैंने हैंडबैग के अंदर एक छोटा कम्बल डाल के लेके आया था, मैंने कम्बल ओढ़ा, मैं सो गया, मैं सीधा सुबह उठा तो 8-9 बज रहे थे, 4 घंटा लेट हुआ मुझे पता ही नहीं चला, मैं मस्त सो गया।